जबकि टू-थर्ड जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो नौजवान है। अब ये एक सरमाया है और ये जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ ये यूज नहीं करना चाहिए, ये एक हथियार है। तो इस हथियार को अगर आप अच्छे तरीके से टैकल कर सके तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप दुनिया में आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर ये हथियार आपके दुश्मन के हाथ लग गए और उनकी ये माइंड उनके हाथ में लग गए तो ये हथियार आपके हाथ में इस्तेमाल हो सकती है और ये चीज स्टार्ट हो गई है। तो फिफ्थ जनरेशन वार के परिणाम आप काफी सुनते आ रहे हैं। ये मुल्क किसी सियासी बंदे का नहीं है, किसी एमएलए का नहीं है, किसी पॉलिटिकल अदर बंदे का नहीं है, किसी मिलिट्री जनरल का नहीं है, किसी पुलिस वाले का नहीं है। ये अवाम का मुल्क है, आप लोगों का मुल्क है। दिस कंट्री नीड्स यू पीपल, दिस कंट्री नीड्स यंग ब्लड। अगर आप किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे ना तो फिर इंसान चले जाए। हम जरूर इस बात को सोचें कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए। मेरे ख्याल में कोई भी अल्लाह ताला से कमिटमेंट करके नहीं आया। We didn't even knew when we were sent to this world। और ना अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएंगे। अगर अपनी मर्जी होती, मर्जी सिर्फ एक शख्सियत की पूछी गई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कयामत के दिन अपना नफ्स या शैतान खड़ा होगा, आपसे दूर खड़ा होगा। When we'll be questioned about the deeds which we did, which were bad, तो हम कहेंगे इसने किया, वो कहेंगे मैंने हाथ से पकड़ के नहीं कराया था। हाँ, बाबाई हुरियत, मैं तुमको बाबाई हुरियत कहता हूँ। हजरत अली गिलानी साहब वो 85-80 साल में भी जवान थे, आप इससे बहुत सौ से ज्यादा जवान थे। उस आदमी भी जज्बा था, रूहानी तौर पर जिंदा था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ जो भी पाकिस्तानी यहाँ बैठे हैं, वैसे तो कश्मीरी भी नजरियाती तौर पे, रूहानी तौर पे पाकिस्तानी ही हैं, और हमसे बेहतर पाकिस्तानी इसलिए हैं कि जब भी आप मकबूजा कश्मीर, तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला, वो तो इंशाल्लाह जाएंगे बाय रोड, जब वहाँ सब जलायु परचम लहरा रहा होगा इंशाल्लाह इधर से बाय रोड जाएंगे श्रीनगर हाईवे पे। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जब आप जाते हैं यू फील द डिफरेंस। अभी पिछले हफ्ते हमने जूनागढ़ का प्रोग्राम किया, जब मुझे वहाँ ये उन्हें बताया और पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। और अहम करते हैं अपने साथ, किसी की जरूरत है कि पाकिस्तान का झंडा एक दफा कहीं पर लहरा जाए, उसके ऊपर उतारे, उसकी जगह तिरंगा लहराए। आर्जी तौर पर लहरा सकता है, ता कहमत नहीं। हमने अहद किया है, हम भी नहीं झुकेंगे। खुदी में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। आज से 24 साल पहले अगर लोगों की बातें सुनकर इमरान खान मायूस हो जाता, आज रियासत मुमलकत खुदादाद का वजीर आजम ना होता। अगर आज से बहुत साल पहले अली गिलानी भारतीय सुरमाओं के संगीनों से डर के खामोश हो जाता, आज पाकिस्तान के पार्लियामान में उसके लिए यूनानिमस करारदादें पेश ना होती। एक अली गिलानी गया तो क्या हुआ? इंशाल्लाह उसका जज्बा नहीं मरेगा।